गैस, आप लोगों ने मोहदा का आधा ब्लॉग देखा है, अब पूरा ब्लॉग देखिए आगे। अब स्कूल का खाना पीना पक रहा है यहाँ पर, ठीक है, रसोई है ये स्कूल का, तो चलिए आगे चलते हैं, अभी तो पक रहा है खाना। संस्कृत मंच मोहंदा, इधर से देखने से तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिए उधर लाइट आ रहा था ना, तो चलिए पूरा आपको बता ही दिया, वापस चलते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया। तो दोस्तों जैसे बनता है मेरे से वैसे वीडियो बनाता हूँ, प्रोफेशनली तरीके से वीडियो नहीं बना पाता, ठीक है, जहाँ तक मेरे से हो पाता है वैसे ही आपको वीडियो बना कर देता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, तो सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक साइकिल स्टोर है और यहाँ पर एक दुकान भी है, किराना स्टोर छोटा सा, और ये भैया के नाम है का भैया बताओ, अभी भुला जाता हूँ, डब्लू साहू है इनका नाम। तो यहीं पर इनका दुकान है मोहंदा में, यहाँ मेन रोड के सामने ही थोड़ा अंदर, ठीक है, यहाँ पर देखिए मोहंदा का। तो यहीं पर थोड़ा चार्जिंग के लिए रुका हुआ था दोस्तों, चार्जिंग खत्म हो गए थे मेरा, फिर तो भी लाइन गोल हो ही गया, थोड़ा पेंट हुआ, एक दो पेंट हुआ और ज़्यादा हुआ नहीं, तो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको सीन बताऊंगा, उतना ज़्यादा नहीं बता सकता, चार्जिंग नहीं है मेरे मोबाइल में, तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मोहंदा का तालाब पहुँच गया हूँ, यहाँ पर दो तालाब है, देखिए इधर भी इधर भी, और व्यू देखिए यहाँ का, ठीक है, और इस सेट का व्यू देखिए और इधर का भी, और यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। तो चलो थोड़ा साठ साठ ही बताता हूँ। तो दोस्तों ये शिव मंदिर है भोलेनाथ का, तो थोड़ा अंदर का सीन बताते हैं आपको। तो देखिए इस प्रकार है शिव भगवान का, तो देख लिए, चलिए फेंका बंद करते हैं, चलिए चलते हैं उधर, और बताना है बहुत कुछ। तो दोस्तों मेन रोड वाला गली भी ख़त्म हो गया एकदम कंप्लीट, तो चलिए थोड़ा एक स्कूल बचा है, एक गौथान बचा है गांव का, फिर यहां का कंप्लीट हो गया, ठीक है। गांव से काफ़ी दूर में है दोस्तों, बाहर में एक किलोमीटर के आगे में हाई स्कूल यहां पर, देखिए। तो देखिए यहां पर बच्चे लोग का साइकिल पूरा लाइन के बाहर रखा हुआ है, ठीक है, और स्कूल में पढ़ाई चल रहा है दोस्तों सबका, यहाँ पर देखिए बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी स्कूल शायद नया बन रहा है, ऊपर साइड ऊपर तल्ला वो बन गया है, यहाँ पर शायद सीमेंट का काम भी चल रहा है, कुछ कुछ बनाता होगा। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहंदा, विकास खंड साई पाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, ठीक है, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए भारतीय स्काउट गाइड एवं गाइड शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहंदा। चलिए देख लिए पूरा व्यू यहाँ का, चलते हैं। तो दोस्तों देखिए इस रास्ते से आए हैं, उतना टाइम आया था, यहाँ पर एक तालाब है, एक तालाब छूट गया था बताने के लिए आपको, और वहाँ पर एक भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर भी है, देखिए ये देखिए तालाब यहाँ का, ठीक है। तो देख लिए दोस्तों, चले आगे, गौथान है बोल रहे हैं, गौथान भी छूट गया था, फिर चलते हैं उधर। तो दोस्तों देखिए मोहंदा का गौथान पहुँच गया हूँ, तो चलिए इतना ही कुछ तो बना है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कलर वाला, थोड़ा इसको अच्छे से और बता देता हूँ आपको, फिर चलते हैं। यहाँ पर देखिए गोबर को यहाँ ला पर इकट्ठे कर दिए हैं, यहीं पर रखेगा शायद ना गोबर, देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों पढ़ते जाइए आप। चलिए चलते हैं आप सीधा, एक भाई साहब यहाँ का जो प्रमुख है, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं भाई, बुलाए हैं आना हमारे घर, चले उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर निकलते हैं घर। तो दोस्तों अभी मोहंदा का पूरा ब्लॉग कर चुका हूँ, टोटल पूरा भी बता दिया मोहंदा का, सुशीलाल पटेल भैया जी जो अच्छा सपोर्ट करते हैं, कमेंट भी किया था, तो उसी की वजह से आया था वीडियो बनाने के लिए, और उन्हीं के घर में अभी देखे हूँ, और उनका दुकान भी अभी जाने वाले हैं, वहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है, उनका दुकान भी अच्छे से, तो ठीक है दोस्तों, भैया जी पैंट शर्ट पहन रहे हैं और निकलते हैं अभी उनका दुकान। दोस्तों उतना टाइम इस गली से आया था मैं, और ये भैया जी का दुकान है, कुसुम भैया जी का, कुसुम पटेल, ठीक है, मोहंदा का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है बोर्ड, तो शायद उतना टाइम दुकान बंद था दोस्तों, पता नहीं कहाँ था, देखा नहीं भैया जी मुझे, या पहचान लेता, और यहाँ पर देखिए
टमाटर टमाटर पूरा दुकान में रखे हैं बिक्री करने के लिए। यहाँ पर देखिए ठंडा, अभी तो ठंडा शायद चल ही नहीं रहे होगा, ठंडा दिन है ना, तो यहाँ देखिए भैया जी का दुकान, ठीक है ये देखिए भैया जी का दुकान, किराना स्टोर, ठीक है, छोटा सा है, बढ़िया है, सामान तो पूरा भरा हुआ है, कहीं पर जगह नहीं है। और ठीक है ये भाई मैं यही कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मोतीलाल जांगड़ेला हमार गांव के आप मन के नाम काम बता दो ना। मोर नाम कुशलाल पटेल, ग्राम मोहदा, गांव के मतलब किराना के स्टोर से मोर यहां गांव में, और गांव के प्रमुख भी हैं, गांव के प्रमुख भी हूं, और यहां हमीज मन के जो भी है चलते दुकान पानी जो कुछ पड़े हैं, और गांव का देखरेख भी करते हैं अच्छा से, कुछ भी होता है तो देखरेख करते हैं, पर सरपंच सचिव सब मिलजुल कर अभी रहते हैं, सब जी सपोर्ट अच्छे से रहते हैं, और गांव के लोग भी अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा यहां आकर, और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा खुशी हुआ मुझे, ठीक है, जितने भी गाँव गए हैं इस गाँव जैसे मुझे कहीं पर अच्छा खुशी हुआ फील नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, भैया जी मेरे लिंक को सब तरफ शेयर भी कर रहे हैं यूट्यूब में, और बगरा भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, तो इसी तरह आप लोग बगराते रहिए मेरे को देखते रहे। तो दोस्तों आधा घंटा हो गया काफी बातचीत कर रहा था भैया से, और भी उसका भी चैनल है, उसको पता नहीं था अच्छा चल रहा है उसका भी चैनल, ठीक है, तो उसको भी बोला हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो से अच्छा ग्रो हो रहा है अभी, तो चलिए खाने के लिए भैया जी देखें, थैंक यू इसके लिए। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं घर में, आपसे मिलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों अभी घर पहुँच गया हूँ, अमर भाई क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो टीवी देखने के लिए बैठी हुई, देखिए टीवी देख रही, तो दोस्तों अभी घर पहुंच गया हूं, और दो समय 2 बज गया है, तो नहाना भी है दोस्तों, और काफ़ी भूख भी लग रहा है, सुबह से गया था 2 बजे आया हूं, और पूरा 4 गांव का ब्लॉग इन किया हूं, ऋषिकेला, केदवा, परसापाली और मोहंदा, तो आप लोग अभी जो अभी ब्लॉग में अभी कंटिन्यू हो, ये ब्लॉग है मोहंदा का ब्लॉग है, तो आप नहीं देखे उस ब्लॉग को भी आप लोग तो जाइए उस ब्लॉग को भी देखिए और कंटिन्यू कीजिए यहाँ दोस्तों। और एक बात, मेरा स्कूटी सबसे ज़्यादा तेल पी रहा है दोस्तों, 1 लीटर में 40 किलोमीटर, ऐसे में तो मैं चोर हो जाऊँ, आज से बंद स्कूटी में आज से नहीं जाऊँगा ब्लॉगिंग करने, दूर दूर नहीं जाऊँगा, आप लोग कमेंट करोगे ना दूर दूर के लोग, तो थोड़ा टाइम देख कर जाऊँगा यहाँ, तो नहीं जाऊँगा अब, क्योंकि अब बाइक लूँगा ना कभी तो जाऊँगा, और जितना पास में रहेगा 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो जाऊँगा भाई स्कूटी में, आई पी एल नहीं जा पाऊँगा, और जाना रहेगा ना तो साइकिल से जाऊँगा, इस बार मैंने ठान लिया है, बहुत ही ज़्यादा तेल पी रहा है स्कूटी, समस्या हो जा रहा है, तो ठीक है दोस्तों ब्लॉग तो यहाँ तक आपने कंटिन्यू किया उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो ठीक है दोस्तों, बाय, टाटा, सी यू।